फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं तो टूटी फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तरबूज ले रखा है। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो का तरबूज ले रखा है, फ्रेश तरबूज है, मैं कल ही मार्केट से लेके आई थी। और मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले अच्छे से ना काट करके ले लूँगी, तो बीच से ऐसे मैं काट करके ले लूँगी ताकि काटने में भी आसानी हो जाए। ये देखिए, और ये देखिए अंदर से, वाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाल है ये। ये देखिए तरबूज जो है वो बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे आधा मैंने यहाँ पे ये तरबूज ले रखा है, अब मैं यहाँ पे इसको काट करके ले लूँगी। तो आप अपने शेप के अकॉर्डिंग काट करके ले सकते हैं, आपको जैसा शेप चाहिए वैसा। तो मैंने इनको देखिए 2 भागों में से काट करके ले लिया है, और अब मैं यहाँ पे इन्हें इस तरीके से काट के ले लूँगी ताकि ये ऊपर का जो भी ये है ये अच्छे से निकल जाए। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको काट करके ले रही हूँ तो ये अपने आप ही किसी बहुत ही अच्छा तरीके से क्यूब के शेप में कट के आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके अब मैं बाकी भी काट करके ले लूँगी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है एक्स्ट्रा, उसको भी हम निकाल करके ले लेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो पूरे रेड पार्ट को हटा देना है, थोड़ा सा भी नहीं बचाना है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ही करके बाकी भी तरबूज को काट करके ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए तरबूज को मैंने काट करके ले लिया है, अब मैं यहाँ पे इसके अंदर नमक डाल के ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए तरबूज तो हमारे रेडी हो गए खाने के लिए। तो मैं इसे ना अपने बच्चों को दे के आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे रुकिए रुकिए, इसे कहाँ फेंक रही हैं आप? तरबूज को काट के ले लिया, अब इसका क्या फ़ायदा? लेकिन फ्रेंड्स आज के इस वाले वीडियो में मैं तरबूज के छिलके से ही बनाने वाली हूँ टूटी फ्रूटी। यकीन नहीं होता ना सुन के, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो सबसे पहले टूटी फ्रूटी बनाने के लिए तरबूज का, यहाँ पे मैं तरबूज को तो काट के ले लिया है, अब मैं यहाँ पे तरबूज के छिलके को भी निकाल करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाकू से निकाल करके ले ली हूँ, आप चाहे तो किसी और से भी निकाल करके ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ना छिलके को काट करके ले लिया है, पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छे से काट करके ले लिया। अब मैं इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और उसके बाद में एक यहाँ पे मैं एक छिलका ले लूँगी। उसके बाद में टूटी फ्रूटी का शेप आप चाहे तो अपने मन से भी रख सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल सर्कल कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ, मीडियम साइज में ही इसको छोटे छोटे से काट के मैं कुछ इस तरीके से ले लूँगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से बारीक ही मैं काट के ले रही हूँ ताकि खाने में भी बहुत अच्छा लगे और ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बने। तो ऐसे ही करके मैं इनको भी काट करके ले लूँगी बाद में। तो आई होप आपको पता चल चुका हो कैसे काटना है इन्हें। तो चलिए अब मैं ऐसे ही काट करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से काट करके ले लिया है छिलके को। अब चलिए आपको मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। साइड में मैंने यहाँ पे पतीले में गर्म पानी रख दिया था गर्म होने के लिए पहले से। तो पानी जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर जो तरबूज का छिलका है वो यहाँ पे मैं डाल के ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए डाल करके मैंने ले लिया गर्म पानी में, और इसको हमको अच्छे से पकाना है फ्रेंड्स। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं बाद में, इसको एक पीस निकाल के चाकू से चेक भी कर सकते हैं और टूथपिक डाल के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पे तरबूज के छिलके हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। तो इसी दौरान अब मैं यहाँ पे गैस को बंद करके ले लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे साइड में पैन रख दिया है, तो पैन को हम सबसे पहले गर्म होने के लिए रख देंगे। तो अब यहाँ पे पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 कटोरी चीनी डाल के ले लूँगी। अब जिस कटोरी से मैंने चीनी लिया था उसी कटोरी से अब मैं पानी भी यहाँ पे डाल करके ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए उसी कटोरी से अब मैं यहाँ पे पानी भी डाल करके ले रही हूँ। जितना मैंने यहाँ पे शक्कर डाला था उतना ही यहाँ पे मैं पानी भी डाल रही हूँ, दोनों ही इक्वल मात्रा में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे चाशनी बना के ले लेनी है।
एकदम परफेक्ट चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी पिघल जानी चाहिए, इतना ही हमें इसका चाशनी बना करके ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चीनी जो है पानी में अच्छे से पिघल चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसका जो तरबूज का छिलका है वो यहाँ पे मैं डाल दूँगी, और इसको अब मैं यहाँ पे तरबूज के छिलके में डाल के इसको अच्छे से कुक करके ले लेना है। पहले इसको मैंने यहाँ पे ना तरबूज का पानी निकाल के ले लिया था और तरबूज को अलग करके ले लिया था, इनके छिलकों को अलग करके ले लिया था। अब मैं यहाँ पे चाशनी को, ये तरबूज जो है ना अच्छे से चाशनी को पी लेने देंगे हम लोग इसको, और कुक भी कर लेंगे साथ ही में ताकि एक्स्ट्रा कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिड को ओपन कर लिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज़ भी इतना रिड्यूस हो चुका है इनका। अब यहाँ पे मैं गैस को बंद करके ले लूँगी। अब मैंने यहाँ पे ना 5 कटोरियाँ ले रखी हैं ऐसे। अब इसके अंदर अब मैं यहाँ पे जो हमने टूटी फ्रूटी बनाई है वो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी, चाशनी के साथ ही डाल दूँगी यहाँ पे। तो एक कटोरी में मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने भर करके ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे इसको भर के ले लिया है। अब साइड में मैंने यहाँ पे 5 कलर फूड ले रखे हैं, तो अब मैं यहाँ पे इनमें एक एक करके अलग अलग फूड कलर डाल करके ले लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर रेसबेरी रेड फ्लेवर ले लूँगी, ये पिंक कलर का होता है। तो इसको अब मैं थोड़ा सा ही एक चम्मच में ट्रांसफ़र करके ले लूँगी, ये देखिए कुछ इतना सा ही। अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी, और ये देखिए डालते ही इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है पिंक कलर में। तो अब मैं यहाँ पे दूसरे के इसके अंदर ग्रीन कलर डालूँगी, तो यहाँ पे ग्रीन कलर में डाल दूँगी और इसका कलर भी ग्रीन में चेंज हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसके अंदर रेड कलर डाल दूँगी, तो रेड कलर में यहाँ पे इसके अंदर अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो उसको भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रेड कलर जो है पाउडर फॉर्म में डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर और येलो कलर डाल दूँगी, और इसे भी अब मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। तो ये देखिए ये भी येलो में चेंज हो चुका है अच्छे से। तो अब लास्ट एक कलर यहाँ पे बचा हुआ है, वो है अब मैं यहाँ पे इसके अंदर ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। तो इसके अंदर अब मैं ऑरेंज कलर डाल के मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई और भी फूड कलर है तो आप भी इसको डाल सकते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसको अब यहाँ पे 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी, ताकि ये जो हमारे टूटी फ्रूटी हैं वो अच्छे से चाशनी को पी ले। तो ये देखिए अभी भी इसमें ढेर सारी चाशनी है, तो फिर 2-3 घंटे बाद में ये अच्छे से इसको पीना शुरू कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे ही अब मैं रख दूँगी ढक करके। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने अच्छे से चाशनी को भी पी लिया है। अब इसमें यहाँ पे मैं पानी को अलग करके ले लेती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो तरबूज का ये है इसको मैं छन्नी के अंदर निकाल के ले लूँगी इस तरीके से, ताकि इसका पानी है कटोरी के नीचे चला जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसका बचा हुआ पानी निकाल करके ले लूँगी। पानी मैंने अब निकाल दिया है, इसे अब मैं यहाँ पे एक टिश्यू पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लूँगी जो भी है ना, उसका रस बचा हुआ वो निकल जाएगा। ऐसे करके अब मैं दूसरा वाला भी कर दूँगी, और आप इनका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, बिल्कुल जैसे मार्केट में हमारी जो टूटी फ्रूटी बनती है ना बिल्कुल वैसे ही बनी है। इसको भी अब मैं थोड़ा सा छान करके ले लूँगी, और इसे भी अब मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब बाकी जो भी कलर बचे हैं उनको भी मैं ऐसे करके ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा टेस्टी टूटी फ्रूटी बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे मैंने यहाँ पे ये तरबूज के छिलके से ही बना के रेडी किया है। अब आपको मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे ही आप इजी तरीके से बिल्कुल एकदम टेस्टी और हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। कई कई बार मार्केट में एक्सपायर भी हो जाता है, तो फिर आपको
अब मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे ही आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो कैसे लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए खाते रहें फ्रेंड्स और मस्त रहें।